नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। मंदसौर जिले के दलोदा में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा समाधान शिविर का आयोजन संपन्न किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजली विभाग, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के साथ कई संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाकर निराकरण हेतु आवेदन पत्र लिया गया और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस मौके पर हर्ष सिंह बहरावत, न्यायाधीश शिवलाल शाक्य, SDM नितेश पटेल, दलोदा तहसीलदार श्रीमती पूजा मुकाती, परिवहन विभाग अधिकारी के साथ कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। स्टार 24 न्यूज मंदसौर के लिए बताया गया। समाधान आपके जिसमें इसका मूल उद्देश्य यह रहा है कि अगर कोई बच्चों के बीच हुआ तो उनका जो है समझौते के माध्यम से इसमें और उनके जो विवादित मामले थे वो गैर विवादित मामले थे उनका त्वरित निराकरण शिविर के माध्यम से किया। कितने आवेदन सर इसमें आए? इसमें अलग अलग विभागों के जो है अलग अलग जिनका निराकरण अब नाम और पद बता दीजिए। नीलेश पटेल, तहसीलदार। क्या जानते हैं? 30 से 40 लाइसेंसों के आवेदन क्या क्या नियम बताए जा रहे सर? इसमें जो भी ट्रैफिक नियम भी बताए जा रहे हैं उनको भी किन ट्रैफिक नियमों के जो है लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है और लाइसेंस कैसे बनता है, क्योंकि अब हमारा जो है पोर्टल पूरा ऑनलाइन हो चुका है तो ऑनलाइन किस प्रक्रिया से बिना RTO कार्यालय आए लर्निंग लाइसेंस को प्रोसेस किया जा सकता है, इसकी जानकारी। इसमें पेमेंट कितना लगेगा? शुल्क महिलाओं के लिए तो आप लोगों को जानकारी मिली कि निःशुल्क है। इसके अलावा जो है अगर मेल्स के लिए है तो मेल्स में अगर टू व्हीलर कैटेगरी के लिए बनता है तो 275 रुपये है और अगर 2 और 4 दोनों बनता है तो 425 रुपये है और उसके हिसाब से कैटेगरी बढ़ती जाती है तो जो भी सरकारी शुल्क है वो बढ़ता जाता है। नाम और पद बता दीजिए। पूजा मुकाती, सहायक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आज ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में आयुष्मान कार्ड का कैंप भी लगाया गया। आयुष्मान कार्ड में दलोदावासी, दलोदा नगरवासी और आसपास के क्षेत्रों के काफ़ी लोग यहां पे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आए हैं और हमने आयुष्मान कार्ड की सेवाएं यहां पे दी है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपये का इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार दिया जाता है और आयुष्मान कार्ड के लिए भी यहां काफ़ी अच्छा उत्सुकता वाला माहौल देखा गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के लिए आए भी हैं और हमने आयुष्मान कार्ड काफ़ी लोगों को बना के यहाँ पे हमने आवेदन लिया गया है कि तत्काल कार्ड नहीं, आवेदन के साथ में हमने ऐसे आवेदन भी लिए हैं जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड में नाम गलत आ रहा है और आधार कार्ड में एक जैसा नाम है और आयुष्मान कार्ड में गलत नाम है, उसके लिए भी हमने आवेदन लिया है कि आयुष्मान कार्ड में हम सुधार करके देंगे और साथ में नए आवेदन भी हमने पोर्टल पर लिए हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड हमने तत्काल बना के और आयुष्मान कार्ड हमने इसमें बनाए हैं और जल्द ही उनको प्रिंट और लेमिनेशन के साथ में हम आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। आज कितने आवेदन आए? अभी लगभग 15 से ऊपर मेरे पास में आयुष्मान कार्ड नए आए हैं जो हमने पोर्टल पे चढ़ाए हैं और अभी और भी संख्या में काफी पब्लिक यहाँ पे है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। नाम और पद बता दो। मेरा नाम है अनिल कुमार नरानिया, आयुष्मान कार्ड जिला प्रबंधक।